जो चेतना जगनी चाहिए बिहार की जनता में चल चुका है। महाभारत की पूरी कहानी को देखें तो भीष्म पितामह का कैरेक्टर नैतिकता और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों का पालन सही तरीके से करने वाले नजर आते हैं। इस दौर की राजनीति में सदानंद बाबू का भी कैरेक्टर कुछ हद तक इसी तरह का रहा। बिहार की राजनीति में सदानंद बाबू उन गिने चुने नेताओं में शुमार है जिन्होंने जिस पार्टी में अपने करियर की शुरुआत की वहीं पर अंतिम सांस तक बने रहे। सदानंद बाबू वो शख्स थे जिन्होंने जनता के मुद्दों को जोर शोर से राजनीतिक पटल पर रखा। 90 के दशक में बिहार में इस पार्टी का जब पतन शुरू हुआ तब खांटी माने जाते रहे कांग्रेसी नेताओं ने भी पाला बदलकर राजद, जदयू या बीजेपी में जाने का फैसला किया, लेकिन सदानंद बाबू पार्टी के प्रति अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए उसी पार्टी में बने रहे। पार्टी ने भी इसके इनाम स्वरूप लंबे समय तक राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। सदानंद बाबू की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेसी नेताओं में होती है। वह भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़े हैं जिसमें 9 बार जीत दर्ज की। उनके नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2015 में वह कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। सदानंद बाबू का जन्म 21 मई 1943 को भागलपुर जिले के धुआवे गांव में हुआ था। सदानंद बाबू 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। कहलगांव शारदा पाठशाला से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से बीकॉम और टीएनबी लॉ कॉलेज से पढ़ाई की। इसकी शादी मीना देवी से हुई जिनसे एक बेटा और 2 बेटी है। कैसा रहा शुरुआती सफर? साल 1969 में सदानंद बाबू पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। हालांकि 1985 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। सदानंद बाबू को 1990 और 1995 के चुनाव में जनता दल और 2005 में जदयू के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। सदानंद बाबू 1990 से 1993 तक जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष रहे। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। वह करीब 10 साल कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे। सदानंद बाबू बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेसी नेता सदानंद बाबू के नाम सबसे ज्यादा बार कहलगांव विधानसभा में जीत दर्ज करने का भी रिकॉर्ड रहा है। कहलगांव को बनाया सियासी गढ़। कहलगांव में कांग्रेस को 1985, 1990 और 1995 के चुनाव में लगातार शिकस्त मिली थी, लेकिन साल 2000 में कांग्रेस की एक बार फिर यहां पर वापसी हुई। कांग्रेस के नेता सदानंद बाबू ने 2000 और 2005 के चुनाव में जीत हासिल की। वे 9 मार्च 2000 से 28 जून 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन 2005 के ही उपचुनाव में उन्हें जदयू के अजय कुमार मंडल से शिकस्त मिली। कहलगांव की जनता ने इसके बाद चुनाव में सदानंद बाबू को फिर से एक बार विधानसभा भेजा। उन्होंने 2010 और 2015 के चुनावों में जीत हासिल की थी। इस तरह से वह 9 बार इस सीट से विधायक चुने गए। जननेता के तौर पर सदानंद सिंह
सदानंद बाबू ने कभी भी अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बदला। 1969 से 2015 तक लगातार 12 बार कहलगांव सीट से चुनाव लड़े और 9 बार जीत दर्ज की। विधानसभा अध्यक्ष के अलावा बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1977 की जनता दल की लहर में भी सदानंद बाबू ने कहलगांव सीट से जीत दर्ज की थी। 1985 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया तो वह कहलगांव से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। सदानंद बाबू का राजनीतिक सफर। सदानंद सिंह ने 1967 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 9 बार कहलगांव से विधायक चुने गए। पूर्व मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद और कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ झा इन्हें राजनीति में लाए थे। 1968 में जिला कांग्रेस के महामंत्री का दायित्व मिला। इसके बाद 1969 में मध्यावधि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा विधायक नागो सिंह को पराजित कर विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर रहने के बाद भी जनता पार्टी के उम्मीदवार बलराम घोष को पराजित किया। 1980 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर विधायक बने, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के मंत्रिमंडल में सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 1985 में कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और विधायक भी चुने गए। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। 1990 में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। इतना न माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया है, सबों के माध्यम से आज बिहार की जनता जान चुकी है कि इस ओर प्रतिबद्ध होना है, कटिबद्ध होना है। साल 2000 में राजद से गठबंधन होने पर वो एक बार फिर चुनाव जीते और फिर विधानसभा अध्यक्ष भी बने। 2010 और 2015 के चुनाव में सदानंद बाबू फिर विधायक चुने गए। मूलभूत सुविधाओं पर सदानंद सिंह का हमेशा रहा ध्यान। सदानंद बाबू अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इनका ज्यादा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली पर केंद्रित रहता था। विधायक फंड का अधिकांश हिस्सा विद्यालय भवन और चार दीवारी निर्माण तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च करते थे। सनहौला में पावर सब स्टेशन का निर्माण, कहलगांव में पावर ग्रिड निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। अपने गांव धुआवे में श्री कृष्ण राजेश्वरी महाविद्यालय का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। एसएसबी कॉलेज के निर्माण में भी इनका अहम योगदान रहा। कहलगांव क्षेत्र में जो भी विकास हुआ इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। आज पटी हुई है सवाल, श्री बाबू के नाम पर जुटते हैं हम लोग, लेकिन समाज में भिन्नता है, मतभिन्नता, इसको कैसे हम एक करें, यही सबसे बड़ी जवाबदेही होगी। सदानंद बाबू की राजनीति में जितनी चमक थी उतना ही उनका खौफ भी अपराधियों के अंदर रहता था। वो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जाने जाते थे। कुख्यात सुदामा मंडल, सुमन सिंह, नंदकिशोर सिंह सरी के कुख्यात भी उनके सामने आने से कतराते थे। सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, सदानंद बाबू की धार कभी भी कम नहीं हुई। हमें जो लगता है एक दूसरे तरह का व्यापार शुरू हो गया है और पुलिसिया महकमे के साथ साथ वैसे लोग जो अपराध से जुड़े हुए हैं उन लोगों का पवारा शुरू हो गया, तो स्थिति बहुत भयावह है। अपने दल के अलावा सभी दलों के आला राजनीतिज्ञों के साथ उनका मधुर संबंध रहा। सभी दलों के राजनेता और सुप्रीमो उनका समान भाव से आदर करते थे। 1967 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर महज 25 साल की उम्र में 1969 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी लोकप्रियता और राजनीतिक सूझबूझ के बूते
सदानंद बाबू ने 1972, 1977 और 1980 में लगातार जीत हासिल की। बावजूद इसके 1985 में कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया, तब ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में उतर आए और चुनाव जीते तो कांग्रेस आलाकमान की नजर में उनका कद और ऊंचा हो गया। बिहार कांग्रेस में यूं तो किसी मुद्दे पर एक राय नहीं दिखती है, लेकिन सबसे पूछा जाता है कि बिहार कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन थे, तो सभी यही कहते हैं सदानंद बाबू से बड़ा कांग्रेसी फिलहाल कोई नहीं है। जिंदगी खेप ली है, अब चाहते हैं कि इस जिंदगी के आखिरी समय कांग्रेस को मजबूत करने में लगाएं। आइए अखिलेश बाबू, आइए निखिल बाबू, आइए राठौर जी, आइए मदन जी, आइए अवधेश बाबू, आइए पाठक जी, आइए नरेंद्र बाबू, सब मिलकर हम लोग निकले और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करें। 8 सितंबर 2021 को बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सदानंद बाबू का निधन हो गया। 76 साल के सदानंद बाबू ने पटना के क्यूरिस अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता सदानंद बाबू के निधन से हर ओर शोक की लहर थी। सदानंद बाबू के समर्थक एवं कार्यकर्ता उनके निधन की खबर सुनते ही रो पड़े। देखते ही देखते उनके आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। सदानंद बाबू बिहार की राजनीतिक आकाश के चमकते सितारे थे। इनकी चमक कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है।